एवरीवन एंड वेलकम बैक टू असरा खान फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 प्रोटीन ऑप्शंस वेजिटेरियंस वीगन्स के लिए। अगर आप एक वेजिटेरियन या वीगन हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको डिफिकल्टी हो रही है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करना, स्पेशली इफ यू आर वीगन, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो वेजिटेरियन और वीगन है, जब मुझे ज्वाइन करना चाहते तो सबसे पहला उनका यही सवाल होता है कि मैं प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स भी नहीं कंज्यूम करती, मैं वीगन हूँ, मैं कर्ड भी नहीं कंज्यूम करती, विल आई गेट इनफ प्रोटीन। और मुझे ये एहसास है कि टिपिकल मेंटालिटी हमारी यही है कि जब वेजिटेरियन खाने की बात आती है तो सिर्फ पनीर या सोया होता है और उन दोनों के अलावा हम लोगों को इतना नहीं पता कि वेजिटेरियन ऑप्शंस क्या है प्रोटीन के। तो आई थॉट इट्स हाई टाइम कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर वीगन ऑप्शंस फॉर प्रोटीन अदर देन सोया एंड हैव थायराइड इफ यू हैव पीसीओडी। आप फिर भी डेयरी थोड़ा अगर अवॉइड कर रहे हैं, वीगन है आप तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप 5 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वेजिटेरियन। सबसे पहला वेजिटेरियन स्लैश वीगन ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं वो है लेंटिल। एक्चुअली मसूर और मूंग की दाल आप अगर कंज्यूम करते हैं तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। आप चाहे तो आधा कप मसूर की या आधा कप मूंग की दाल में हरी या लाल दोनों में ही अराउंड 8.85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है हाफ कप में। आप हाफ कप कैसे मेजर करेंगे? बहुत सारे मेजरिंग टूल्स आते हैं, स्पेशली अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और आप मैक्रोस कैलकुलेट करके अपना मील्स को प्रेप करते हैं या नहीं भी करते तो भी मेजरमेंट्स करना काफी अच्छा है। एटलीस्ट आपको पता रहता है कि क्या कितना क्वांटिटी आपको खाना चाहिए। हाफ कप इज सफिशियंट। अनकुक्ड हाफ कप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आप चाहें तो उसको एज अ स्प्राउट भी भिगो के रखिए रात भर और दिन सुबह सैलेड के फॉर्म में या स्प्राउट्स के फॉर्म में खा सकते हैं। आप चाहें तो उसको पीस के उसका चीला बना के खा सकते हैं। दोनों दालों के चीलों की रेसिपी मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहें तो उसको एज अ प्रॉपर दाल या सूप, दाल का सूप बना के रात को डिनर में भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन योर वेट लॉस। आपको फुल रखने में भी काफी मदद करेगा, सो डेफिनेटली ट्राई लेंटिल्स आउट। द नेक्स्ट प्रोटीन सोर्सेज आर चिक पीस। हाफ कप ऑफ कुक चिक पीस हैव 7.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन इट। तो आप अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स प्रोटीन इनटेक भी बढ़ेगा और इसमें फैट और कार्ब्स बहुत ज्यादा कम है। लेंटिल्स में भी कार्ब्स इतने नहीं होते और चिक पीस में भी नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज कीटो फ्रेंडली, नो, बट कार्ब्स बहुत ज्यादा कम है, प्रोटीन हाई है और ऐसे फूड्स को आप जरूर इनकॉर्पोरेट करें अगर आप वेट लॉस जर्नी में है या आप वेट मेंटेनेंस जर्नी में भी है तो भी ये फूड्स अगेन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। किस तरह से यूज कर सकते हैं? चिकपी के कबाब्स बहुत ज्यादा यमी लगते हैं, उसकी रेसिपी बहुत जल्दी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके अलावा अगेन आप इन द फॉर्म ऑफ सैलेड यूज कर सकते हैं। मेरी 4 सैलेड रेसिपीज के वीडियो के अंदर चिकपी सैलेड की रेसिपी भी है, तो उसको डेफिनेटली चेकआउट करें इफ यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्दी फूड ऑप्शंस एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस। तो डेफिनेटली चेकआउट चिकपी सैलेड रेसिपी। चिकपी कबाब्स बना सकते हैं, नॉर्मल छोलों को भी आप रोटी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं इन लंच एंड या यू विल बी गुड टू गो। 7.25 ग्राम्स काफी अमाउंट ऑफ प्रोटीन है फॉर हाफ अ कप, सो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट चिकपीज इन योर डाइट इफ यू। थर्ड इंग्रेडिएंट इज पीनट्स। मूंगफली आधा कप पीनट्स में होता है अराउंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। पर ये भी ध्यान रखिए कि इसमें फैट्स भी होते हैं। यस, इट हैज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच इज रियली गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल। हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हैंडफुल ऑफ पीनट्स से ज्यादा ना खाएं। आधा कटोरी में आपको 20 ग्राम मिलेगा, हैंडफुल में आपको 10 ग्राम मिल जाएगा। रोज कंज्यूम करेंगे डेफिनेटली इतना प्रोटीन आपके लिए इनफ है विद ऑल अदर सोर्सेज एज वेल। दिस पीनट शुड बी योर इवनिंग स्नैक या मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह। आप इसको डब्बे में पैक करके ऑफिस ले जा सकते हैं एंड खा सकते हैं, नॉट सॉल्टेड वन। मार्केट्स में जो पैक्ड पीनट्स आते हैं वो नहीं, जो ऑथेंटिक रॉ ऑर्गेनिक आता है जिसको छील के खाना पड़ता है विदाउट सॉल्ट, आप उसको खाइए एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स। अलॉन्ग विद दैट आपका प्रोटीन इनटेक भी चेक में रखेगा, सो इट इज टेस्टी हेल्दी। आप चाहे तो किसी ग्रेवी में उसका प्योरे बना के डाल सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू गिव यू दैट थिकनेस, दैट रिच फ्लेवर एंड टेस्ट रियली गुड। So yeah, this is the third source of protein for my vegans and vegetarians. Now, the fourth protein option for you guys is quinoa. कीनुआ की बहुत सारी रेसिपीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मेरे व्हाट आई ईट इन अ डेज को अगर आप देखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी बाय द वे, तो उसमें कीनुआ का अक्सर मैं इस्तेमाल करती हूँ। इट इज अ हाईली प्रोटीन पैक्ड फूड। एक कप को कीनुआ में होते हैं अराउंड 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज लाइक अमेजिंग। आप कीनुआ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड। आप राजमा प्लस कीनुआ खाइए, राजमा इज अ लेंटिल एंड ऑफकोर्स उसमें भी प्रोटीन है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी वर्क्स अमेजिंगली।
मैंने अपने पीसीओडी डाइट प्लान में एक कीनोआ चीला की रेसिपी शेयर की है, वो बहुत कम लोगों ने व्यू किया है, डेफिनेटली उसको जरूर व्यू करें, उस रेसिपी को ट्राई आउट करें आपके ब्रेकफास्ट के लिए, इट इज अमेजिंग। और ये बिल्कुल नहीं फील होता दैट यू आर हैविंग कीनोआ, अगर आपको कीनोआ टेस्ट नहीं पसंद, वो चीला बहुत अच्छी रेसिपी है उसकी, डेफिनेटली ट्राई इट आउट। आई लीव अ लिंक समवेयर इन द आई बटन हियर, वो पीसीओडी पेशेंट्स के लिए भी अमेजिंग है। और ये सारे जो आपको मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, अगर आप पीसीओडी के पेशेंट है, थायराइड है आपको, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक हो, डेफिनेटली और सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं फॉर योर वेट लॉस एंड फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। द फिफ्थ ऑप्शन इज आर चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, स्पेशली चिया सीड्स हाईली रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे आर हाईली रिच इन फाइबर, एंड सिर्फ एक टेबल स्पून ऑफ चिया सीड में होता है अराउंड 2 grams ऑफ प्रोटीन। आप चाहे तो एज इट इज एक टेबल स्पून चिया सीड को खा सकते हैं, मंच कर सकते हैं, उस पे रोस्ट करके आप एक डब्बे में रखिए, उसको मंच करिए, या तो फिर उसका पाउडर बना लीजिए, किसी भी सैलेड में स्प्रिंकल कर सकते हैं आप, या तो फिर अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं। बहुत जल्द हाउ यू कैन यूज चिया सीड इन 10 डिफरेंट वेज मैं आपके लिए लेके आऊंगी, सो दैट आपको मल्टीपल ऑप्शंस पता हो कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। यूज डेली करिए, चिया सीड्स हैज अमेजिंग बेनिफिट्स, कीप्स यू फुल, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज गुड अमाउंट ऑफ फैट और हेल्दी फैट आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन वेट लॉस, आपका हेयर, आपका स्किन, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा इफ यू हैव योर प्रोटीन इन चेक। सो दिस इज माई लास्ट ऑप्शन विच इज इनकॉर्पोरेटिंग सीड्स इन योर डायट, बी इट फ्लैक्स सीड्स, बी इट चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आर रियली अमेजिंग एंड या डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट। और उसके साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ छठा ऑप्शन भी, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ 5 है तो नहीं, छठा ऑप्शन भी है आपके लिए, ताकि आपके पास ऑप्शंस की कमी ना रहे इन लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। द लास्ट ऑप्शन इज आलमंड्स। नाउ अक्सर मैं अपने डाइट प्लान में आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप मॉर्निंग में आलमंड्स को भिगो के रखें और उसको कंज्यूम करें। ऐसा क्यों? वेल, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आधा कप आलमंड्स में होते हैं 16.7 grams ऑफ प्रोटीन, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। आधा कप विल काउंट टू अराउंड 8-9 आप कंज्यूम करेंगे, आपको हाफ कप मिल जाएगा। आप चाहे तो आलमंड फ्लावर की तरह भी उसको पैनकेक्स में यूज कर सकते हैं। ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग आलमंड्स इन योर डाइट डेली बेसिस एंड यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग चेंजेस। ये सारी चीजें ऐसी है कि आपको एक इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पूरे दिन के अपने ईटिंग प्लान में, मील प्लान में रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं टू मीट योर मैक्रो लेवल्स। मैक्रो लेवल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैट्स एंड प्रोटीन्स है, कार्ब्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता व्हेन यू आर लुकिंग एट अ वेट लॉस पर्सपेक्टिव एंड यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग बेनिफिट्स। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, अगर पसंद आया तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। यू नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं, और अगर लगा तो ये भी बताइए मुझे कमेंट्स में, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।